हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोवोस वजीद। तो गाइस, अगर आप भी अपने मोबाइल में एप्पल की फीलिंग लेना चाहते हैं तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लेके आ चुका हूँ आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन iOS थीम जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इसलिए आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल में iOS थीम को इंस्टॉल करना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करके आपको इस थीम फाइल को डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में। डाउनलोड करने के बाद इस थीम फाइल को आप अप्लाई कर लीजिएगा। जिन लोगों को अप्लाई करना नहीं आता है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को देख के आप जान लीजिए कि कैसे आप अपने थीम, कोई भी थीम है उसको आप कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये जो थीम है उसको अपने मोबाइल में अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो थीम है वो अप्लाई हो चुका है। अब मेन बात करें इस थीम के कुछ खास बातें के बारे में, तो यहाँ पर जो इस थीम का खास बात है वो है इसके वॉलपेपर्स के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ कलरफुल वॉलपेपर्स यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आइकन्स यूज़ किया गया है वो यहाँ पर न्यू आइकन यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ पर 14.3 जो अपडेट आया था उसके बाद जो यहाँ पर आइकन है वो उस तरह का दिखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर जो लुक है, आप देख सकते हैं लुक भी बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है, जो वॉलपेपर है बहुत ही कलरफुल है। उसके बाद बात करें कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर का लुक भी आपको बहुत अच्छा दिखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कलरफुल यहाँ पर कंट्रोल सेंटर दिखने को मिलता है। देन आपसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस बार और नोटिफिकेशन सेंटर में कोई भी चेंजेस दिखने को नहीं मिलता है। और बात करें कॉल के बारे में, तो यहाँ पर कॉल का इंटरफेस देख सकते हो आपको कुछ इस तरह का मिलता है iOS की तरह, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद बात करें मैसेज के इंटरफेस के बारे में, तो मैसेज का इंटरफेस भी आपको कुछ इस तरह का दिखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें हमारे सेटिंग के इंटरफेस के बारे में, तो सेटिंग का इंटरफेस यहाँ पर पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर आपको सेटिंग के यहाँ पर आइकन्स दिखने को मिल रहे हैं वो सभी आपको सेम टू सेम यहाँ पर iOS की तरह दिखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलरफुल यहाँ पर आइकन यूज़ किया गया है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। सिस्टम अपडेट पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो iOS 14 का लोगो आपको दिखने को मिलता है, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर नेविगेशन बटन में भी एक छोटा सा नेविगेशन बटन यूज़ किया गया, जो कि हमें iOS में दिखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर नेविगेशन बटन है उसमें एक न्यू नेविगेशन बटन को भी ऐड किया गया, जो कि हमें iOS की तरह दिखने को मिलता है। और उसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किया गया, लेकिन ये जो थीम है ये मेन उन लोगों के लिए है जिनको एक अच्छा खासा लुक चाहिए अपनी थीम में, ज़्यादा एनिमेशन वगैरह नहीं चाहिए उनको, उनके लिए ये जो थीम है ये परफेक्ट है। साथ ही साथ बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में, तो लॉक स्क्रीन का लुक भी यहाँ पर आपको बहुत ही कलरफुल यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर अलार्म, मतलब यहाँ पर जो क्लॉक है उसका स्टाइल भी आपको बहुत ही अच्छा दिया गया है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा यहाँ पर हम लोग अपने फ़ोन को चार्ज लगाएंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई चार्जिंग एनिमेशन तो नहीं दिया गया है, लेकिन नीचे यहाँ पर आपको एक यहाँ पर सिंबल दिया गया है जहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका फ़ोन कितना परसेंट चार्ज है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हम लोगों ने चार्ज लगाया तो यहाँ पर दिखा रहा है चार्जिंग 56%। तो देखा जाए तो एक नॉर्मल सा थीम है, लेकिन बहुत ही अच्छा थीम है, कलरफुल थीम है। तो आपको ये थीम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस तरह के और भी थीम्स के रिलेटेड वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको किस तरह का थीम चाहिए, जैसे कि रियलमी UI, ColorOS थीम, इस तरह का कोई भी थीम चाहिए तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको मारे ग्लोडो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।